फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस, एंड वी आर सपोज टू प्रूव दिस यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मान लेते हैं इसे कि क्या ये पी ऑफ एन है। इंडक्शन का प्रोसीजर आपको मालूम होगा। इंडक्शन का प्रोसीजर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक देखें और आपको इंडक्शन का जो पहला वीडियो है उसमें आपको इंडक्शन का प्रोसीजर भी मालूम हो जाएगा। तो n की जगह सबसे पहले हमें मालूम है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, p ऑफ 1। n की जगह 1 लेते हैं, तो जब n की जगह 1 लेंगे तो इसका मतलब है हमें फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 1 × 2। 1 × 2 इज वॉट, 2। राइट हैंड साइड में n की जगह 1 डाल दीजिए। राइट हैंड साइड में आप डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3। अपॉन में क्या है आपके पास, n की जगह आप 1 डालेंगे तो ये 4। ध्यान से देखें तो ये आपका कैंसिल हो गया, n n प्लस 1 ओ सॉरी 1 2 3 है ये, 1 × 2 × 3 है, तो ये 1 × 2 × 3 आपका 6 हो गया। ये भी आपका देखिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट मैच नहीं कर रहे थे, अब बराबर मैच कर रहे हैं, 1 × 2 × 3 ये भी 6 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू। N इज इक्वल टू 1 के लिए पी एन ट्रू है। पी ऑन इसका मतलब है कि P ऑफ 1 ट्रू है। लेट अब हम मान लेंगे कि P2, P3 up to PK भी ट्रू, ये ट्रू है। अगर हमने ऐसा माना है कि PK ट्रू है तो इसका ये मतलब हुआ कि PK क्या चीज़ है। तो PK क्या होगा दोस्तों, N किए गए हमें K रखना है दोनों साइडों में, तो ये हो जाएगा आपका PK 1 2 3 2 3 4 3 4 5 up to k k plus 1 k plus 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू n की जगह k रखने से मिलेगी k k plus 1 k plus 2 k plus 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको दे दें नंबर 1। अब हमें किसके लिए चाहिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए से प्रूव करना है। तो pk प्लस 1 इज वॉट, pk प्लस 1 क्या चीज़ है। तो pk प्लस 1 होगा आपका 1 2 3 फर्स्ट टर्म, 2 3 4 सेकेंड, 3 4 5 थर्ड टर्म, अप टू kth टर्म। kth टर्म क्या होगी इसकी, k k प्लस 1 k प्लस 2, ये kth टर्म है। लेकिन हमें कहाँ तक लेना है, k प्लस 1, इससे एक ज़्यादा। तो इसके अगली वाली टर्म क्या होगी, तो आप अगली वाली टर्म नोटिस ऐसे करें, 1 के बाद देखिए 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक ज़्यादा आएगा। तो यहाँ k है तो अगला क्या हो जाएगा आपके पास, k प्लस 1। यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ देखिए 2 से एक ज़्यादा, 3, 3 से एक ज़्यादा, 4, तो इसी तरीके से k प्लस 1 से एक ज़्यादा होगा k प्लस 2, और k प्लस 2 से एक ज़्यादा इसी तरीके से क्या हो जाएगा, k प्लस 3। ये आपका कौन सा टर्म है, k प्लस 1th टर्म है। और राइट हैंड साइड में n की जगह k प्लस 1 रख दें तो ये हो जाएगा आपके पास k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2, k प्लस 3 और k प्लस 4 होल अपॉन 4, ये आ गया। तो ये आपको pk प्लस 1 प्रूव करना है। इसको प्रूव करने का तरीका कैसा है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय, इसको अज्यूम करके, इसको ट्रू मान के इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है मैंने, उसका वैल्यू 1 से लिखेंगे, क्या होगा उसका वैल्यू, k k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस
ये एक्स्ट्रा टर्म ये वाली आएगी के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री। अब इसमें से ध्यान से देखें, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो वो कॉमन निकालते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं आपको तो और क्लैरिटी आएगी। इसमें से कॉमन निकल रहा है आपका के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री और ब्रैकेट में बचेगा के अपॉन फोर प्लस वन। और अगर आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा आपका के प्लस फोर बाय फोर। तो ये होगा के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री। एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा के प्लस फोर फोर बाय फोर। तो चाहें तो आप ऐसा लिख दें। ये देखिए आप, ये किसके जैसा आ गया है, ये इसके आरएचएस के जैसा आ गया है। एलएचएस से आ गया आरएचएस, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर पीके प्लस वन इज ट्रू, देयरफॉर पीके प्लस वन इज ट्रू, इसका मतलब है पीके प्लस वन ट्रू है। हेंस इसलिए पी ऑफ एन भी ट्रू होगा, देयरफॉर पी ऑफ एन इज ट्रू, मतलब पीके ट्रू है। और पीके को क्या बोलते हैं, तो हमने के एन की जगह क्या रखा है, के। अगर पीके ट्रू है, पिछला वाला ट्रू है, मतलब जो हमने सम यूज किया था वो ट्रू है, तो इसका मतलब है कि पी एन भी ट्रू है। देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो ये था दोस्तों इसका सोल्यूशन, आपने देखा बड़े आसानी से हमने इसे कर दिया। आप इसको एक बार सेल्फ ट्राई करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। मेरी बेस्ट विशेस है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, खुद आगे बढ़ें, दोस्तों को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।